मुहम्मद नजर करते होंगे। दो रुपए का फिर सूर्य फूका जाएगा, फिर सूर्य के फसाएगा, बस बेहोश हो जाएंगे। मन फिर सहला के जो कुछ के बीच आसमान के है, वह मन फिलहाल जो कुछ के बीच जमीन के है, इल्ला मनशा अल्लाह, मगर जिसको चाहे अल्लाह उसमें रखेगा। जो सब बेहोश हो जाएंगे उनके लिए हसर के मैदान है, जो सब बेहोश हो जाएंगे उन लोगों के लिए हसर के मैदान हिसाब किताब होगा, और जो जागे हुए रहेंगे उन लोगों के लिए तो की मैदान दिखाई दे रहा है। हसर के मैदान उन लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो है तो की मैदान दिखाई दे रहा है। सुम्मा नुफे का फिर सुम्मा फिर फूका जावेगा, नुफे का फिर सूरे सुम्मा नुफे का फिर फूका जावेगा, फिर है बीज उसके उखड़ा दोबारा। फायजाऊ का उस वक्त वो मुरीद क्या मुई खड़े होके यल जरूम देखेंगे, क्या देखेंगे, वा आशरा का तिला दो बेनूले रब्बे वाशरा का तिला दो बेनूले रब्बे और चमक जावेगी जमीर साथ मुरे रब अपने के आगे मुहम्मद, और चमक जावेगी जमीर साथ मुरे रब अपने के। अब ये तो मेरा दादा का किताब में लिखा हुआ है, अब सब यहीं तक तो खत्म हो गए, इलिम खत्म हो गया। अब उसके बाद जो इलिम सूफी हमीद परवाग हमारी के पास आया, बाद उसके ये इलिम अल्लाह ताला ने सूफी हमीद परवाग हमारी के जो खलीफा हो गए उन्हीं के पास हो गए। कि जब अल्लाह अपने नूर को जाहिर करता है, जब अल्लाह अपने नूर को जाहिर करेगा, बेशक अल्लाह का नूर जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखलाई दे रहे। अल्लाह का नूर जब नजर में आवेगा, जब वो देखेंगे कि जमीन में अल्लाह की रोशनी चमक रही है, अब बाकी सबको बेहोश कर देगा। तुम दुनिया में देखे नहीं अंधे हो, आखिर तुम भी अंधे हो। वमन काना फी हाज़िही अअमा, और जो कोई इस दुनिया में अंधा है तो वह फिल आखरत अअमा, और तो आखिर तुम भी अंधा है, बेहोश रहेंगे, मौत के हालत ही में रहेंगे, बेहोश से मतलब यह है कि उनको इस दुनिया के साथ कोई मेल नहीं है। ये जो दुनिया है, जो दुनिया में अल्लाह ताला नूर चमका देगा, वहां वो लोग जिंदा होकर भी मुर्दे ही रहेंगे। वो लोग सोच लेंगे कि अल्लाह सुर फूक दिया है, हम उठ गए कब्र से, और हम उस नूर को देख लेंगे और पहचान लेंगे और पांव हाथ पकड़ लेंगे कि हमको माफ कर दीजिए, हम आपके गवाही में हम नहीं थे। ऐसा नहीं सोचता है, अल्लाह पहले ही बेहोश कर दिया। वो दिया किताबा और लाए जावेंगे अमाल नामे, जो कौन कौन का हरकत किया है सबका एक एक तो करके किताब है। वह ओ बेल किताब लाए जावे किताब, वजी अभी नबी ना लाए जावेंगे नबियों को, वजी अभी नबी ना लाए जावेंगे नबियों को। नबी लोग आएंगे, दस्तरे अमल खोल दी जावेंगे कि तुम क्या हरकत करके रखे हो। वजी अभी नबी और लाए जावेंगे तमाम नबियों को, वस्त्र हो जाए और गवाहों को। वको दिया और फैसला किया जावेगा बैनहुम दरमियान उनके, वको दिया और फैसला किया जावेगा बैनहुम दरमियान उनके, बिल हक के साथ हक के। अब इन लोगों के अंदर क्या फैसला होगा, कि शरीयत के लोग शरीयत में रह जाएंगे, तरीकत के लोग तरीकत में रह जाएंगे, हकीकत के लोग इमाम हुसैन को जिंदा देखने वाले होंगे,
और मार्फत के लोग अपने ही मुर्शिद में मोहम्मद के चेहरा मुबारक को देखने वाले और पहचानने वाले हों। वकूदिया फैसला किया जाएगा, वकूदिया फैसला किया जाएगा, बैनहुम दरमियान उनके बिलहक के साथ हक के। हाँ है, खलीफा है, ठीक है, ये जो खलीफा है ठीक है, तुम लोगों के लिए खलीफा ही बयान करने वाले होंगे। और जो राह तरीकत में बैठे हैं कि हाँ मुर्शिद है तो मुर्शिद ही वो देखेंगे, और राह हकीकत में देखेंगे कि यहां पर मोहम्मद के आले औलाद बैठते हैं, अहले बैत बैठते हैं, तो वो अहले बैत देखने वाले होंगे। और अहले बैत के अंदर जो खुदा देखने वाला है वो रहमत लिल आलमीन को देखने वाले होंगे। उन लोगों के अंदर भी फैसला होगा कि शरीयत वाले शरीयत में रहेंगे, तरीकत वाले तरीकत में रहेंगे, हकीकत वाले इमाम हुसैन के पीछे में रहेंगे और मारफत वाले मोहम्मद के पीछे में रहेंगे। बिलहक के साथ हटते, बिलहक के साथ हटते। वहुमला युज़लमून और नहीं जुल्म किए जावे में इमाम वालों, उन लोगों को रही जुलम किए जावेंगे। जो लोग कहते हैं ना कुल्लू नफ्सिन जाएगतुल मौत, हर एक नफ्स को जो है मौत का मजा चखने वाला है। हाँ चखेगा, कोई हरकत नहीं, कोई इसमें बात नहीं है, कोई इसमें बात नहीं है। मौत का मजा जो है ले लिए, चख लिए थोड़ा सा, हाँ कैसा है इसका टेस्ट कैसा है। इल्म तो है नहीं। यहां बोलते हैं कि सलाम क्या भेजोगे, वो तो मुर्दा है, फिर जनाजा के नमाज में जाकर जो है सलाम भेजता है, तैयार पढ़ता है, सलाम भेजता है। कुछ लोग सलाम नहीं भी पढ़ते हैं, तैयार नहीं पढ़ते हैं। तो लोग बोलता है अय अल्लाह जनाजा का तुम्हें माफ कर दो अल्लाह, आमीन। तेरा बयान, तेरा दुआ अल्लाह सुनने वाला है, तेरा दुआ अल्लाह सुनने वाला है, मुर्शिद का दुआ अल्लाह नहीं सुनेगा। जो मर गया है उसके लिए वो लोग थोड़ा सा दुआ कर सके, तो थोड़ा सा एक बार हो गए हो जाए, तो यानी कि अगर थोड़ा सा अगर हो जाए, चूंकि चुनानचे अगर थोड़ा सा हो जाए तो एक बार ही है, मरने का टाइम हम एक बार दुआ कर दिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एक बार जो है ये मर्डर कर दिया, एक बार ये चोरी कर लिया, एक बार इसमें से आवाज निकल गया, दोबारा निकलेगा नहीं। जाओ जो एक बार निकलेगा वो बार बार निकलेगा। एक बार हाफिज हो गया है दोबारा हाफिज नहीं है, एक बार मिस्त्री बन गया है दोबारा नहीं हो सकता, एक बार हो गया है, एक बार सोना हो गया है, एक बार ये चांदी हो गया है, एक बार ये जो ज्योति हो गया है वो हमेशा के लिए हो गया है। इजा कदा अमरन, जब किसी काम को अल्लाह मुकर करता है, पई ना पसवास के लिए कुल कहता नहीं वो आपके उसके कुल हो पया कुल पस हो जाता है। भाई लोग हम दरबार भी छोड़ जाते, अब उसमें उबा कहीं है, हाँ नहीं है। उस वक्त में हम बहुत ज्यादा जो है शरीयत बयान कर रहे थे, और अभी हम राह मारफत बयान कर रहे हैं। अल्लाह तो उन लोगों को हटाएगा जिन लोगों की किस्मत जो है बड़ा होगा, बड़ा किस्मत वाला है, उन्हीं लोगों को अल्लाह ये हिदायत देता है। वमा युल्लका और नहीं सिखलाया जाता ये कुरान इल्लल्लज़ीन सबरू, मगर जो सबर खा के बैठे हुए रहते हैं। ये यहां से कान में आकर बोल रहे, वो वहां से आया कान में बोल रहे हैं, वहां से आके बोल रहे हैं, लेकिन चुपचाप बैठे हुए हैं। वमा युल्लका और नहीं सिखलाया जाता ये कुरान को इल्ला जो हजी अजीम, मगर जिसका किस्मत बहुत बड़ा है, जिसका किस्मत बड़ा है वो ठीक बैठे ही रह जाते हैं, और जो इस दुनिया में बैठे हैं वो आखिर में भी अल्लाह उसको उसी के सामने बैठा कर रखते हैं। जिसके सामने जो जैसा बैठा हुआ है आखिरत में, जन्नत में, आखिरत में मरने के बाद जो है वो वैसे ही बैठे हुए रहेंगे।
मौत की खबर कहा, मौत की जो खबर है मौत की खबर कहा है। मौत तो गाड़ी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, ट्रेन है, बस है, जो यहां से वहां पहुंचा दिया, यहां से वहां पहुंचा दिया, बस मौत मौत यही है और कुछ नहीं है। और मौत जो है तरह तरह का है, वैसा गाड़ी भी तरह तरह का है। कुछ कुछ गाड़ी जो है इस मुकाम से लेकर उस मुकाम तक जाकर जो है छोड़ता है, और कुछ कुछ जो है गाड़ी ऐसा है कि जहां थे वहीं लाके हाजिर कर देता है, वो किटिंगबाज है, जहां थे वहीं लाके हाजिर कर दिया है। खुदा की आवाज करते करते इंसानी मुकाम में थे, इंसानी मुकाम में ही रह गए। और औलिया अल्लाह लोग एक मुकाम से लेके और एक मुकाम में लेकर लेके जाते हैं, जैसे कि ये समुन्दर केरला समुन्दर है और हिमालय के मुकाम में लेके जाकर पहुंचा दिया, तो देख रहे बड़का बड़का पहाड़ है और बर्फ दिखलाई दे रहा है। तो एक मुकाम से एक मुकाम में अच्छा भी लगता है, हम कुछ दिए तो मेहनत को बर्बाद नहीं किए, पैसा भी दिए, अपना जहमत भी उठाए, पूरा दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन जो जैसा पैदल जा भी सकते हैं, घोड़े में जा सकते हैं, गुरु गाड़ी में जा सकते हैं, एरोप्लेन में जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में जा सकते हैं, जाते हैं। लेकिन जो लोग चीटिंग मार के चक्कर पड़ जाते हैं वो गोल घुमा के उसी जगह में लाकर हाजिर कर देते हैं। चलो वही चीटिंग बाज है जो मौत के नाम से औलिया अल्लाहों को हमेशा के लिए खत्म कर दे रहे हैं। अगर मौत के नाम से औलिया अल्लाह को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो फिर काहे का जन्नत, काहे का जहन्नम, तो अल्लाह बनाता ही नहीं। हूरों की इतना इंतजाम, फलों की इतना इंतजाम फिर करता ही नहीं, इतना खीमे नहीं बनाता, जहन्नम के लिए इतना आग भड़काए नहीं जाते, तेल का कढ़ाई नहीं होता जिसमें काफिरों को डाला जाएगा, भूजा जाएगा, ला यमू तो फीहा वला यहया, वो तेल में डालने का बावजूद भी जिंदा रहेगा, चमड़े गलने लगेंगे फिर भी चिल्लाएंगे मौत नहीं आएगा, जिंदा अल्लाह रखेगा उसको, उसका आंख को निकाल के हथौड़ी से पीटा जाएगा फिर भी वो लोग जिंदा रहेगा। ला यमू तो फीहा, नहीं नहीं हम मारेंगे उसको जहन्नम में, वाला यह आना उसको हम जिंदा ही रहने देंगे। जो तकलीफ भी है तो फिर जिंदा कहेगा, तकलीफ भी है और अगल बगल में ना खुदा है ना खुदा के रहमत है, ना खुदा है ना खुदा के रहमत है, खुदा और खुदा का रहमत ही तो नियामत है, खुदा और खुदा के चीज ही एक नियामत है। नियामत मतलब गिफ्ट, नियामत मतलब गिफ्ट, गिफ्ट हमेशा ढका हुआ रहता है, गिफ्ट को जो है खोलना पड़ता है, चाहे प्लास्टिक में हो, कागज में हो, बोरी बस्तर में हो, या जिल में काहे नहीं हो, खोलना पड़ता है, या कुरान के आयत ही काहे नहीं हो, नेमत नहीं हुआ जब तक आप विर्द नहीं कीजिए, पढ़िएगा नहीं। नमाज को पढ़ना भी है और नमाज को मानना भी है, इसे कहते हैं नमाज को कायम रखना। नमाज मुंह से पढ़ भी रहे हैं, नमाज मुंह से पढ़ भी रहे हैं और दिल से मान रहे हैं। जहां लोग कह रहे हैं कि नबी साहब के टाइम में पांच वक्त मुकम्मल नमाज आया, बाकी सब नबी के टाइम में नमाज जो है मुकम्मल नहीं था, पूरा पूरी नमाज नहीं था, कम कम नमाज था, रकात भी कम कम थे, वहां का हमरी साहब कहते हैं हाथ थे मगर बातिन में थे। दूसरी पढ़े एक बार, Thank you.
آمین اللہم آمین. تو مرنے کے بعد بھی ایک باطن ہے, آپ پیدا ہونے سے پہلے بھی ایک باطن ہے. جو زمانہ دہر سے ہم لوگ کا شروعات ہوا, ہم لوگ کوئی صورت میں نہیں تھے, سب کو ایک صورت دیا گیا آہستہ آہستہ کرتے ہیں. بعد آدم علیہ السلام کے سب کو ایک صورت دیا گیا آدم ہی سے, یہاں تک کہ حوا علیہ السلام کے بیوی بھی انہی کے حصہ انہی سے تیار کیا گیا. ماں ہوا کیا ہے, ان کی ڈپلیکیٹ ہے, یعنی ان کا کوبھر ہے, کوبھر ان کو حفاظت کرنے کے لیے, ان کو آرام دینے کے لیے. اگر جان ہے تو آرام ملے گا, اور اگر جان نہیں ہے تو حفاظت ہے, جیسا کاغذ ہے حفاظت ہوگا اس کا, دیو کا پھوکا سب سے بچا ہوا رہے گا. کوبھر کوئی بھی چیز کو حفاظت ڈھانکنے کے لیے, جیسا کہ بلیک ٹیپ ہے کوبھر ہے, یہ تار میں اچھا کوبھر ہوتا ہے اس کو حفاظت کرنے کے لیے. اسے لوہا ہے, اس میں اگر نکل کر دیں گے تو اچھا ہوگا, سب سے بیسٹ ہوگا, اس میں جو ہے نکل کر دیا جائے گی. تو اسی طرح مریدوں کو پیر و مرشد کے روشنی سے نواز دیا جائے, یہ اس کی نعمت دکھلائے دے رہا ہے. مریدوں کو جو نعمت دیا جاتا ہے, جو تحفہ دیا جاتا ہے, وہ تحفہ میں آئینہ ہو, اس تحفہ میں آئینہ ہو تو ہی ہم لوگ کامیاب ہوں گے. اس آئینہ میں جب مرید اپنا شکل کو دیکھیں گے تو اپنا شکل نہیں پانے گے, بلکہ اپنا مرشد کے شکل پانے والے ہیں. جب وہ مرشد کے شکل پائیں گے تو اس کا اندر مطلب کہ انسان تو ہے, اس کے اندر شیطانی ہے, انسان تو ہے مگر اس کے اندر پھیل جو ہے انسانی ہے, انسان تو ہے مرید تو ہے لیکن اس کا جو فیل ہے وہ مرشدی دکھلائے دے رہا ہے. ایسا ہی بن جائے کہ جو بھی دیکھے دیکھنے والا یہی کہے کہ ہتیاڑا شریف کا دکھلائے دے رہا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے, بولے اہل بیت جو ہے وہ گھر والے ہوں. تو اسی طرح ہر مریدوں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن والے ہیں, یہ قرآن کے فوج ہیں, یہ لوگ قرآن چھوڑ کے مانتے نہیں, منبئی نہیں کریں گے, کتنے بھی سمجھاؤ منبئی نہیں کریں گے. لوگ بغل میں کہتا ہے نہ چھوڑ بندہ, وہی صحیح. بہت ٹیڑا آتے, جو رسی ٹیڑا نہ ہو مضبوطی نہیں ہوگا, رسی کو ٹیڑا ہونا ضروری ہے. جتنا رسی میں پاک کھایا ہوا رہے گا اتنا مضبوط ہے. وہ تسمو بے حب اللہ جمیو, اور اللہ کا رسی کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ. اسی لیے قرآن بیان ہیر پھیر کر کے جو ہے اللہ تعالی رکھا ہے, مضبوط ہے. اگر اس کو آسان اگر رکھ دیتا یہ لوگ بیچ کھاتے اس کو. اسی لیے اس رسی کو جو ہے کھول کے پھر الگ الگ حساب سے اس کو جو ہے چادر بنانا, اسی رسی سے چادر بنتا ہے. یہ بہت بڑا گٹلا ہے, گٹلا جو ہے لمبا چوڑائی بہت بڑا ہے. اسی سے سلیمان علیہ السلام اڑن دستری میں اڑے تھے, اور مرشد لوگ چادر مبارک اپنا اوپر اڑے ہوئے, ایک چادر وہ لوگ لمبا چادر ایک ڈالے